नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे RO AR यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य अध्ययन GES का आंसर की। तो ये आपका सेट डी है, तो जिनका भी जो है सेट डी होगा आप मिला सकते हैं, और जिनका अदर सेट होगा वह प्रश्नों को देख के जो है अपना आंसर जो है मिला सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं सेट डी का पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न था आपका, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दिया गया था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, पहला सही है आपका। दूसरा जो है यहाँ दिया गया है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये जो है आपका गलत है। इस न्यायालय के प्रथम यानी कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, केवल एक यहाँ। दूसरा जो है आपका है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा, यहाँ इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, ए जो है आपका सही है यहाँ। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मक्का, यहाँ वाराणसी दिया गया, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका, देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है। तो वह आपका महाराष्ट्र, यह बस जो है महाराष्ट्र से पुणे के बीच जो है चलाई जा रही है, महाराष्ट्र से पुणे के बीच चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो छठे का आंसर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, एक दोनों कथन सही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है यह सही है, और ₹5,00,000 की जमा इसके द्वारा बीमित है। तो दोनों ही कथन सी ऑप्शन सही हो जाएगा छठवें का। सातवां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से जो है यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा, ए का चौथा यानी कि इंडियन बैंक का जो है हो जाएगा ये आपका सार्वजनिक बैंक है, और बी का तीसरा होगा ICICI बैंक या निजी बैंक है, उसके बाद जो है सी का पहला सिटी बैंक या विदेशी बैंक है, और सारस्वत बैंक जो है ये आपका कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी बैंक है। अगला आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो आठवां का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा यहाँ, कि दोनों आपका ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत जो है RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है, और इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना। तो ए ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सत्य है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजगार सृजन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो यह है आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान क्या है। तो यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो एक तरफ खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ खनिज दिया गया आपका। तो गुरु महिसानी जो है आपका लौह अयस्क क्षेत्र है, तो ए का तीसरा हो जाएगा, और तलचर जो है आपका कोयला खनिज क्षेत्र है, और जादूगुड़ा जो है आपको पता होगा यूरेनियम हो जाएगा, जावर यह आपका जस्ता, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप सबको पता होगा यह मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है, कुल भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, उसके माध्यम से जो है अब याद रख सकते हैं, मणिपुर सही यहाँ होगा। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, एक तरफ जो है आपका देश दिया गया था, दूसरी तरफ राजधानी। तो आपको पता है यहाँ कि म्यांमार की राजधानी यंगून हो जाएगा आपका, ए का चौथा। कंबोडिया की राजधानी जो है वह आपका नॉम पेन है, तो बी का तीसरा। उसके बाद वियतनाम की राजधानी वह आपका हनोई है, सी का हो जाएगा आपका पहला। और लाओस की राजधानी BNTN है, तो डी का हो जाएगा दूसरा, 4312। तो आप देख सकते हैं विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, यहाँ भी जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था, एक तरफ नदी दिया गया, दूसरी तरफ शहर। तो सत अल अरब जो है यह किस नदी जो है यह किस शहर होगा आपका, सत अल बहर हो जाएगा बसरा,
तो ए का हो जाएगा दूसरा, और प्राग्वे हो जाएगा आपका अंशस्यान, तो बी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद जो है नाइजर हो जाएगा आपका नियामी, नाइजर हो जाएगा नियामी, सी का चौथा, और डेन्यूम हो जाएगा बियना, तो डी का हो जाएगा आपका पहला। 2, 3, 4, 1 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा, तो डी विकल्प यहाँ सही होगा। यहाँ अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो यह आपका अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता से संबंधित है, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा, तो ये तो हो गया आपका। अगला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है? तो वह नागालैंड में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व किससे संबंधित है? तो यह वृक्षारोपण से संबंधित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा, मछली उत्पादन से, सी विकल्प सही हो जाएगा। और चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो यह जो है आपको पढ़ाया गया इंद्रावती नदी पर है, यह छत्तीसगढ़ में है, जिसको भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह है आपका सतलज और काली नदी के बीच स्थित है, 22 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी कब? तो 1992 में किया गया था, बी ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम यानी कि विषय था? तो सतत विकास लक्ष्य इसका विषय था, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वह है कंगना रनौत, सी विकल्प सही हो जाएगा। और जनवरी 2020 में कितने पद्म भूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? तो 4 दिया गया था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था जनवरी 2020 में। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो पुलेला गोपीचंद को सम्मानित किया गया है। अगला आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। और भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला, तो यह क्वेश्चन जो है आपके BU में भी पूछा गया था, RAR में भी पूछ लिया गया है। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है किससे संबंधित है, तो यह आपका आपदा प्रबंधन से संबंधित है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस देश में, तो यह जो है मेडागास्कर में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर 2020, तो यह आपका भारत और UK के बीच संपन्न हुआ है, अजय वारियर। अगला क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ से हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं कि यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला और इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से प्रश्न है, कारपेट को कूट भाषा में आप देख सकते हैं TCE APR लिखा जाता है, तो नेशनल को जो है क्या लिखा जाएगा? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, LNAANTOI, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब होती जा रही है, बताइए कि यह रेलगाड़ी कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1160 मिनट में। और अगला क्वेश्चन आपका, किसी एक निश्चित कूट भाषा में यदि HE = 41 और SHE = 49 तब THEM दम किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 62 के बराबर। आप जो है इसका यानी कि H जो है नंबर जिस पर आता है, यानी कि H 8वें नंबर पर आता है, इसका H का विलोम जो होता है S होता है, तो S आपका 19 नंबर पर आता है, इसी तरह आपको जोड़ना है। उस तरह E जो है 5वें नंबर पर आता है, 5 को जो है आपका यानी कि 5 का अपोजिट कौन होता है, तो 5 का अपोजिट हो जाएगा आपका यानी ये जो है भी का अपोजिट होता है आपका, तो भी जो है आपका 22वें नंबर पर आता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 49 हो जाएगा। इसी तरह जो आपका डैम को जोड़ देना है, तो यहाँ 62 आपका जो आंसर होगा। नेक्स्ट आपका, यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो बुधवार होगा यहाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका, स्वप्न का जैसे संबंध वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका यहाँ मिथ्या का संबंध सॉरी जो है असत सॉरी सत्य से होगा, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ।
नेक्स्ट है आपका कि रिक्त स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 84। आप देख सकते हैं 7 × 14 प्लस 4 18, 18 × 36 प्लस 4 40, इसी तरह जो है 40 में 2 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 84 हो जाएगा। और आगे भी आप देख सकते हैं 84 × 2 करेंगे 4 जोड़ेंगे 72, 172 हो जाएगा। और इस तरह 172 × 2 करेंगे प्लस 4 जोड़ेंगे 348 हो जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण में समान प्रतिबिंब होता है, तो 11 बड़े अक्षरों में समान प्रतिबिंब हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका उन्नाव में है, सी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी, तो 1995 में स्थापित किया गया था, बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो आपका ए ऑप्शन सुमेलित नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि सब्जी अनुसंधान संस्थान में आपका लखनऊ में नहीं है, ये आपका वाराणसी में है, कहाँ है तो वाराणसी में है, ए ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो 42 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, बेत व छड़ी दिया गया आपका वाराणसी, ये गलत है। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो एक तरफ मेला दिया गया था, दूसरी तरफ जनपद, देवीपाटन मेला आपका बलरामपुर में लगता है और कामपील मेला जो है ये आपका कहाँ लगता है, तो फर्रुखाबाद में लगता है, बटेश्वर मेला आगरा में और दादरी मेला कहाँ लगता है, तो बलिया में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन जो सही होगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन अब है आपका उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है, तो यह बिजनौर में निवास करती है बुक्सा जनजाति, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो मुख्य यहाँ जो है आपका 3 सही होना चाहिए और यदि सस्त जलवायु क्षेत्र दिया रहता तो 9 हो जाता है यहाँ आपका, तो यहाँ जो है आपका ये दोनों में कन्फ्यूजन है, आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ सही होना चाहिए, मुख्य जलवायु क्षेत्र पूछा गया है। नेक्स्ट आपका कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो है आपका अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं है, बाकी जो है सभी सही है, आपका पंचायतें भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ भाग 9 क में है, सहकारी समितियाँ भाग 9 का ख में है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ मौलिक अधिकार है, दूसरी तरफ अनुच्छेद कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका दिया है गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 जबकि अनुच्छेद 22 में है। अगला आपका WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो हरा बॉक्स सहायिका कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित किस योजना में बजट आवंटन 2019-20 की तुलना में कम हुआ है, तो वह मनरेगा में हुआ है, आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें RBI अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2, 3 जो है आपका यहाँ सही होगा, चौथा जो है यहाँ सही नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो आप सबको पता होगा चैत्र होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है, तो यह जो आपका तेलंगाना में मनाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो 54 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 जो है वह आपका सही है कि यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां पर संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है। अगला है आपका वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सा है, तो वह आपका ट्रोपोस्फीयर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला आपका आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं क्या, तो नाइट्रोजन वातावरण हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। और अगला है आपका ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो यहाँ जो है आपका कोई भी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, डी ऑप्शन सही होना चाहिए, उपरोक्त सभी, यहाँ ध्यान से देखिएगा पूछा गया उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है आपका सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो वह आपका रेड यानी कि लाल रंग, बी ऑप्शन सही होगा। अगला आपका हींग प्राप्त की जाती है कहाँ से, तो यह जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है, बी ऑप्शन सही होगा।
और अगला आपका त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है किसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, उभयचरों में त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है आपका। अगला आपका हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था, तो वह था हकीम सूर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला है अंग्रेजों को बंगाल में विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, तो ये जो है आपका सही है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, तो यहाँ जो सही होगा आपका दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही होगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका एक तरफ अधिनियम गया, दूसरी तरफ जो है वर्ष दिया गया, तो ए ऑप्शन जो है आपका दिया गया है कि राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, ए जो है आपका सही नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है, यहाँ भी एक तरफ विद्रोह और दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया गया है, तो चलिए जो है देखते हैं यहाँ, रंपा विद्रोह ये आपका 1879-80 में हुआ था, तो ये का हो जाएगा दूसरा, और पावना विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था 1873-76 ईस्वी के बीच, बी का हो जाएगा चौथा, बंगाल का नील विद्रोह जो है ये आपका 1859-60 में हुआ था, तो सी का हो जाएगा पहला, और जयंतिया विद्रोह 1860-63 में हुआ था, डी का हो जाएगा तीसरा, 2, 4, 1, 3, तो आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, तो वह था मुबारक खिलजी, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA से जुड़े हुए नहीं थे, तो वह थे BC दत्त, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न आपका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, ये जो आपका सही नहीं है। अगला है आपका निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी कि इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया था, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, सी विकल्प सही होगा। अगला है आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आपका क्रिप्स मिशन 1942 हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव हो जाएगा 1940, बेबेल योजना 1945, CR फार्मूला हो जाएगा आपका 1944, तो क्रम से आप व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ संगठन दिया गया है दूसरी तरफ व्यक्ति, तो यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बहिष्कृत हितकारी सभा ज्योतिबा फुले दिया गया, ये आपका गलत है, भीमराव अम्बेडकर होगा यहाँ, क्या हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ फसल है दूसरी तरफ खरपतवार, तो यहाँ आप देख सकते हैं धान में बथुआ जो है खरपतवार नहीं होता है, यह गेहूं में होता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ जो है आपका सूरजमुखी हो जाएगा सभी मौसम में, ए का चौथा हो जाएगा, और खरबूजा जो है ये आपका हो जाएगा जायद यानी कि गर्मी के मौसम में होता है, बी का हो जाएगा दूसरा, कपास जो है यह हो जाएगा खरीफ यानी कि वर्षा ऋतु में होता है, सी का पहला, अलसी जो है रबी सर्दी ऋतु में होता है, डी का हो जाएगा आपका तीसरा, 4, 2, 1, 3, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर्च्यून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे बड़ी निगम कंपनी कौन थी, तो वह है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, BEO में भी पूछा गया था आपका। अगला आपका अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ जो आप देख सकते हैं 1, 2, 3 सभी कथन जो है यहाँ सही है आपका, 75 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न संख्या 76, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, तो लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, सही है, और एक्सपो का आयोजन भारत को उभरते हुए रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में प्रस्तुत करना था, तो दोनों जो सही है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला आपका निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुमानित आय के स्रोत दिया गया आपका सूची वन सूची टू के साथ, तो आपको मिलान करना, एक तरफ स्रोत दिया गया दूसरी तरफ प्रतिशत आय, निगम कर से कितना आय प्राप्त हुआ है, तो निगम कर से हो जाएगा आपका 18%,
ए का हो जाएगा दूसरा आयकर से 17%, बी का पहला हो जाएगा सीमा शुल्क से जो है 4%, और सीमा शुल्क से कितना 4%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 7%। तो सी का हो जाएगा चौथा, और डी का हो जाएगा तीसरा। 2, 1, 4, 3 आप देख सकते हैं विकल्प जो है यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है कौन सा, तो वह आपका कृषि होगा, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो यह है आपका माही नदी, ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकिकी इतिहास में महाविभाजक के रूप में जाना जाता है, तो आप सबको पता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, 1921 सही होगा यहाँ। अगला है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो यह झेलम नदी पर है, बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो पहला दिया गया है आपका रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बनाया गया है, सही है आपका, और हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर पर बनाया गया, तो यहाँ सभी जो है सही, 1, 2, 3, 4 डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 83, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में हुआ था, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ देश दिया गया दूसरी तरफ लौह अयस्क क्षेत्र, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन जो है दिया गया यूक्रेन क्रिवाय राग, ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 85, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो आपका बी ऑप्शन सही सुमेलित है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ है, तो ये आपका जर्मनी में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो यह है आपका बोत्सवाना, यह आपका पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह देहरादून में है। नेक्स्ट आपका भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह आपको पता है कच्छ में है, यह कच्छ गुजरात में। नेक्स्ट आपका भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत यह चलती है, तो यह वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चलती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपका भारत में सबसे बड़ी तेल शोधन शाला कौन सा है, तो वह जामनगर तेल रिफाइनरी गुजरात में है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है, तो यह पानीपत में लगाया गया, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो आप सबको बताया भी गया है, यह गुजरात है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सैल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो यह है गोंडवाना समूह, बी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 94 जो है 94, फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला आपका है अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप भी किया, तो यहाँ जो है सही है आपका। और दूसरा जो है कि मेलानिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था, तो दोनों जो ही सही है आपका, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ, तो चलिए जो है देखते हैं। महंत नित्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चुना गया था, ए का चौथा होगा। स्वामी गोविंद देव गिरी को जो है ट्रस्ट का कोषा अध्यक्ष बनाया गया था, बी का जो है तीसरा हो जाएगा। श्री चंपत राय को जो है ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए थे, सी का हो जाएगा आपका दूसरा। और नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण समिति के प्रमुख बनाए गए थे, डी का हो जाएगा पहला। 4, 3, 2, 1 आप देख सकते हैं विकल्प बी जो है यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो फिल्म है पैरासाइट, सी विकल्प सही हो जाएगा। यह अगला आपका प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए हैं, तो ये आपका भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, ये आपसे सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है, तो आप देख सकते हैं फरवरी 2020 में सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके विरुद्ध चल रहे अभियोग से बरी कर दिया गया है, तो कथन जो है आपका सही है। और सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट्स के सांसदों की संख्या अधिक थी, तो ये जो है आपका गलत है, यहाँ केवल जो है
आपका सी ऑप्शन से ये सत्य है, किंतु आर जो है वह आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो 10 टीमों ने भाग लिया था, बी ऑप्शन सही होगा। अगला आपका, कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो वह हैं यानेस धर्मसक्तू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा 68। और अगला क्वेश्चन है आपका, सही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में। जैसा कि आपका दिया गया है डायनासोर का संबंध ड्रैगन से है, तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा, हिम का संबंध जो है बर्फ से हो जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं 8 × 16 - 1, 15 × 30 - 2 और 28 × 56 - 3, 56 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा तो 56 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 112 हो जाएगा, 112 माइनस 4 करेंगे, सॉरी 53 में 2 का गुणा करेंगे, आप यहाँ 53 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 106 माइनस 4 कर देंगे तो हो जाएगा 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ सही हो जाएगा 103 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 102 सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित प्रश्न अंकों का एक आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें बताना है आपको लुप्त अंक का चयन करना है क्या होगा? तो यहाँ आपका 10 होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, मोहित अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चला और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, वह अपने घर से कितनी दूरी पर था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर था हुआ। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है 94 असम संख्या है, बाकी सभी वो आपका विषम संख्या है। नेक्स्ट आपका, ए जो है बी का भाई है, सी का विवाह डी से हुआ है, यदि सी बी का भतीजा है तो ए का डी से क्या संबंध होगा? तो ए का डी से पूछा गया संबंध यहाँ, ना कि डी का ए से, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ससुर। अब देख सकते हैं इसे, ए जो है क्या कह रहा है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है और सी का विवाह डी से हुआ है, मान लीजिए सी है, सी का विवाह किससे हुआ है, डी से हुआ है, यदि सी जो है बी का भतीजा है, सी जो है क्या है बी का भतीजा यानी कि ए का लड़का होगा, सी जो है बी का भतीजा यानी कि ए का लड़का और सी का विवाह डी किसके साथ हुआ है, तो आपसे पूछा है ए का डी से संबंध, तो ए का जो है डी से संबंध पूछा गया है, तो ए जो है क्या लगेगा, ससुर लगेगा, डी पूछता डी का ए से संबंध तब हो जाता है आपका पुत्रवधु, तो यहाँ जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2017 में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27%। और अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 111, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ, तो पीतल का सामान हो जाएगा आपका मुरादाबाद, माचिस हो जाएगा बरेली, खेल का सामान मेरठ और लकड़ी पर नक्काशी हो जाएगा सहारनपुर, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं? तो वह आपका बिरहा, चैती, ढोला, डी विकल्प से हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चरकुला, कर्मा और पांडव। नेक्स्ट है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है? तो यह वाराणसी में हुआ है, बी विकल्प से हो जाएगा। और अगला है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो यह आंवला, बरेली में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग 7 में, जबकि यह भाग 8 में है, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन अभिकथन ए जो है तथा दूसरा कारण आर है। तो पहला दिया गया है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है, तो ये जो है आपका सही है। कारण दिया गया, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है, तो कारण भी जो है आपका सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची हो जाएगा,
तीसरा ए का होगा तीसरा संघ राज्य तथा समवर्ती सूची में सातवीं अनुसूची, ए का तीसरा हो जाएगा। आठवीं अनुसूची में हो जाएगा आपका भाषाएं हैं, तो बी का पहला हो जाएगा। नवीं अनुसूची में जो है आपका वह कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, सी का हो जाएगा चौथा। दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन से संबंधित है, डी का हो जाएगा दूसरा। तो तीन चार एक दो, यानी कि आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा तीन एक चार दो है, सॉरी तीन एक चार दो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ स्थापना, तो यहाँ जो है आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद दिया गया 1954, जबकि जब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था, बाकी सभी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया। अभिकथन ए है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तु सेवाओं स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, तब उसे चालू खाता यानी कि घाटा कैट कहा जाता है। और कारण आर है, चालू खाता घाटा कैट तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है, हरित बांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हरित बांड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है, ए ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। अगला है आपका, डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान को विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो अभी तक डिफेंस एक्सपो जो है आयोजित हुए हैं जिन जिन वर्ष में, तो आपको जो है मिलान करना है। 2016 में हुआ था दक्षिण गोवा में, तो ए का हो जाएगा दूसरा। और 2018 में हुआ था आपका चेन्नई में, बी का हो जाएगा पहला। 2019 में यह हैदराबाद में हुआ था, 2020 में आपको पता है डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ है, तो सी का चौथा और डी का तीसरा। 2143 आप देख सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को जो है अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन ए है, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। और कारण आर है आपका CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो नीचे दिए गए कोड से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ ए विकल्प सही होगा, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है आपका। अगला आपका, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला उत्सव जो है मेघालय में मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य, बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है? तो वह हो जाएगा सौर ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल क्या होगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? तो ऑक्सीजन और नमी, बी विकल्प सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है? तो वह है आपका हीरा, डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला आपका, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड कंजर्वेशन से संबंधित है, 130 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है यहाँ, तो प्रश्न संख्या 131 आप देख सकते हैं, विटामिन के का संबंध हो जाएगा अल्फा, अल्फा जो है एक प्रकार का घास होता है, ए का हो जाएगा चौथा। विटामिन डी का संबंध हो जाएगा आपका कार्ड यकृत तेल, बी का तीसरा। विटामिन ई का संबंध होगा गेहूं भ्रूण तेल, सी का पहला। और विटामिन सी का संबंध होगा नींबू से, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4312 विकल्प डी जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला आपका, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, यह आपका हो जाएगा 1756 हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 होगा। बक्सर का युद्ध हो जाएगा 1764। और वारेन हेस्टिंग्स जो है यहाँ जो सही हो जाएगा आपका, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1234 सही हो जाएगा यहाँ, सी विकल्प सही होगा। अगला है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, इलाहाबाद की संधि 1765 हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा। एक्सला चैपल की संधि, तो
तो यह जो हो जाएगा 1748 होगा, एक्सला चैपल की संधि। तो बी का हो जाएगा तीसरा, ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था, तो 1746 में किया गया था। सी का हो जाएगा दूसरा, डुप्ले की पदच्युति कब हुई थी, तो डी का हो जाएगा आपका पहला 1754 में। डी का पहला होगा 4321, 4321 आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, तो आप सबको पता है महाभारत का है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला आपका प्रश्न संख्या 137, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो यह आपका कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कब हुआ था 1540। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा 2413, 2413 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट यह 1932 में हो जाएगा। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 1929 होगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3412, 3412 सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची वन को सूची टू के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 139, इंडियन एसोसिएशन का संबंध हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से। ए का दूसरा, पूना सार्वजनिक सभा का संबंध हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे से। बी का तीसरा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध हो जाएगा फिरोज शाह मेहता से। सी का चौथा, और मद्रास महाजन सभा का संबंध हो जाएगा आनंद चार्लू से। डी का पहला, 2341, तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आपका, इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे, तो वह थे विलियम विल्सन हंटर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे यानी कंपाइलर कौन थे, तो विलियम विल्सन हंटर थे। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका कुल 140 प्रश्न समीक्षा अधिकारी में आज के जो है परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में। तो दोस्तों आपका जो है कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों जो है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।